जिंदगी एक छुपन छुपाई का खेल ही तो है। ये अपनों के साथ खुशी के पल ढूंढने में हर रोज गुजर जाती है। हर दिन इसी उम्मीद के साथ एक नई शुरुआत होती है कि अपनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो। पर इस खेल में अचानक पीछे से कोई आपको धप्पा दे जाए तो सारा खेल बिगड़ जाता है। ऐसे ही कुछ जिंदगियों को मिला कैंसर का धब्बा। हमको ये मालूम भी नहीं था कि गौरव को ऐसा होएगा करके। दोनों जन हम इतना हिल गए कि हमारा कुछ पूरा देह भानी पूरा हड़प गया। आदित्य डेढ़ पौने दो महीने का था तब उसके पापा नहीं रहे। सब ठीक चल रहा था जब आदित्य 8 साल का हुआ तो हम लोग को पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है। उन्हें कहां पता था कि उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना होगा। स्टार्टिंग में हमारा इतना तबलीग होगा है ना कि मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था कि अपन हॉस्पिटल में जाना ये सब। जैसे उन्होंने बताया वहाँ पे तो मेरी हालत ही खराब हो गई। डॉक्टर ने मुझे 7-8 लाख रुपए का खर्चा बताया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो क्या करें, इतना पैसा हम लोग लाएंगे कहाँ से। पर इस हारी हुई बाजी में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर कुछ ऐसा हुआ। एक दिन ऐसा हॉस्पिटल से फोन आया, गौरव का ट्रीटमेंट के लिए स्पॉन्सर मिल गए। वो लोग को हम इतना आभार मानेगा कि हम मरेगा तो भी हम वो लोग का हम ऊपर अब भूलेगा नहीं। पर हॉस्पिटल वालों ने बताया कि आदित्य के ट्रीटमेंट के लिए स्पॉन्सर मिल गया। आदित्य को स्पॉन्सर मिलने के बाद कुछ आसान सा पेपर वर्क था वो कर लिया और आदित्य की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। आखिरकार ये खेल ही तो है। अपनों पर भरोसा और थोड़ी सी हिम्मत हो तो इसे फिर से भी तो शुरू किया जा सकता है। दिस इज वाई वी एट HDFC म्यूचुअल फंड बिलीव दैट व्हेन लाइफ पुट्स अ फुल स्टॉप वी एट टू मोर सो दैट होप कंटिन्यूज टू विन। And we double the hope by matching your contribution towards the cause through HDFC Charity Fund for Cancer Cure. Mutual Fund निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।